प्रदर्शन किया गया और अब आज जो है वो बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। सीधा कोलकाता का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। रैनिक, जो तस्वीरें नबन्ना मार्च के दिन से नजर आई वो लगातार उसी तरीके से कमोबेश पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की सड़कों पर नजर आ रही है और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को काफी आक्रामक तरीके से उठाए हुए है। जारी है, एक तरफ बीजेपी की तरफ से धरना जारी है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आज स्टेट वुमेन कमीशन के जो ऑफिस उस जगह पे वो लोग प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। मैं एक बार तस्वीर में दिखाऊंगा कि बीजेपी का जो महिला मोर्चा का कर्मियों है उनके तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। ठीक एकदम महिला कमीशन जो है, वेस्ट बंगाल महिला कमीशन, उनके सामने ही महिला मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है। और आप देख ही सकते हैं कि पुलिस की तरफ से जो महिला मोर्चा का कर्मियों है उनको रोका गया है, उनको रोक कर रखा गया है। और पांच लोगों का डेलीगेशन टीम जिसमें लोकेट चटर्जी, अग्निमित्र पॉल, देवस्वी चौधरी के जैसे जो बीजेपी का टॉप लीडर वो मौजूद है, उनके तरफ से आज ये डेलीगेशन ये महिला मोर्चा के ऑफिस में पहुंचे, महिला कमीशन के ऑफिस में पहुंचकर वो लोग जो डेपुटेशन वो डेपुटेशन दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, बीजेपी का जो महिला मोर्चा का प्रतिनिधि है वो लोग रस्ते में बैठ कर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं बात करने का एक बार कोशिश करूंगा, क्या क्या डिमांड है आप लोग? ममता बनर्जी का रिजिग्नेशन का डिमांड लेकर उन लोगों की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देख ही सकते हैं कि पुलिस की तरफ से भी उनको बार बार से रोकने का कोशिश किया जा रहा है और महिला मोर्चा की तरफ से ये प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। और महिला मोर्चा की तरफ से ये जो पश्चिम बंगाल का महिला कमीशन है उनको उनमें ताला लगाने का ये पूरा प्रोग्राम किया गया था और उसी के तहत आज महिला मोर्चा का जो रैली वो रैली सेक्टर 5 से बाहर आए थे, सेक्टर 5 से आते वो डायरेक्टली आए थे ये सिटी सेंटर में और सिटी सेंटर के सामने बंगाल पुलिस की तरफ से, वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से उनको रोका गया है। और रोकने के बाद जो पांच मेंबर का डेलीगेशन टीम उनको अंदर जाने का परमिशन दिया गया है पुलिस की तरफ से और वो अभी अंदर है। और उसके बावजूद जो महिला मोर्चा का मेंबर्स है उनके तरफ से विरोध दिखाया जा रहा है, जो बीजेपी का महिला मोर्चा है उनके तरफ से विरोध दिखाया जा रहा है। और मैं एक बार बात करने का कोशिश करूँगा, क्या क्या डिमांड है एक्चुअली आप लोगों का? দেখুন একটা মহিলা যেখানে ডাক্তার, ডাক্তার আমরা যে কোনো অসুস্থতার কারণে একটা ডাক্তারের কাছেই যাই। মুখ্যমন্ত্রী যখন পা ভেঙে গেছিল তিনিও কিন্তু চিকিৎসার জন্য একটা ডাক্তারের কাছেই গেছিল, সেই ডাক্তার মহিলা আজকে সেফ না, তাহলে আমরা সাধারণ মেয়েরা কী করে সেফ থাকব? আজকে যেভাবে তিলোত্তমাকে রেপ করে ধর্ষণ করে খুন করা হলো তার কোনো বিচার নেই, উল্টে মুখ্যমন্ত্রী দরের 10 লাখ টাকা ডিমান্ড করছে, ওনাকে দেবে বলছে যে আপনি মেয়ে তো মরে গেছে কি করা যাবে, আমরা 10 লাখ দিচ্ছি এটা নিয়ে আপনি কি করুন। এর আগেও দেখেছেন প্রতিটি মেয়ের বয়স হিসাবে উনি প্রতিটা মেয়ের একটা করে রেট বেঁধে দিত যে এই মেয়ের বয়সে এত টাকা উনি পাবেন। উনি একটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওনাকে ধিক্কার জানাই আমরা যে উনি একটা মহিলার শরীরের রেট বেঁধে দেয়। एकदम आप सुन ही सकते हैं कि महिला मोर्चा की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक डॉक्टर के ऊपर, महिला डॉक्टर के ऊपर घटना घटा है उसका प्रतिवाद में और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन का डिमांड करते हुए ये बीजेपी का जो महिला मोर्चा है उनके तरफ से विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। और एकदम सॉल्ट लेक का सिटी सेंटर में बीजेपी का जो महिला मोर्चा वो लोग रस्ते में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से उन लोगों को रोका गया है और पुलिस भी इधर मौजूद है, नगर पुलिस की तरफ से उनको रोका गया है और पुलिस के सामने ही उन लोगों का जो प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट जारी है। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार रहने का आप दिखा भी रहे और बड़ा सवाल रहने की है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है और नबन्ना मार्च के बाद से जिस तरीके से सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आए हैं, ऐसे में पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए जो स्थितियां हैं वो इस वक्त काफी गंभीर नजर आ रही है। और खासतौर पर चूंकि दिल्ली में इस वक्त पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है, ऐसे में ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि अगर जल्द ही स्थिति को सामान्य नहीं किया गया तो परेशानियां जो है बढ़ सकती है वहां। रैनिक, आवाज आप तक पहुंच रही है? रैनिक से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल
में सड़कों पर बीजेपी महिला मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त उतरे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। आज राज्य महिला आयोग का घेराव बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया और जोरदार प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग जो है वो करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी की तरफ से बंगाल बंद का भी आह्वान किया गया था। 12 घंटे का बंद जो है वो किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। और आगे बढ़ते हुए उत्तर